नमस्कार, स्नेहा की रसोई में आपका स्वागत है। आइए आज हम बनाते हैं आलू की चिप्स। मैं आपको चिप्स तीन तरह की बनाना बताऊंगी। एक तो इस तरह जाली वाली, दूसरा धारीदार चिप्स जैसा कि दिख रहा है, और तीसरी प्लेन चिप्स। ये तीन तरह की चिप्स चलिए आज हम बनाते हैं। आलू की चिप्स बनाने के लिए हम सबसे पहले इस साइज के आलू लेंगे और आलू को हम धो लेंगे। धोने के बाद हम उसको इस तरह से छील लेंगे। बड़े आलू लेने का कारण ये रहता है कि आप आलू को अच्छे से पकड़ सकते हो और चिप्स बनाने में इजी रहता है। छोटे छोटे आलू को पकड़ के चिप्स बनाना थोड़ा कठिन रहता है। इस तरह से हम सारे आलू छील लेंगे। ये आलूओं को मैंने छील के इस तरह से पानी में भिगो दिया है। अब हम इसका चिप्स बनाना चालू करेंगे। अब हम इन आलूओं को एक प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह। और अब हम चिप्स का सांचा जिसमें चिप्स बनाई जाती है उसको ले लेंगे। अब इसमें हम प्लेन चिप्स बनाएंगे। आपको तीन प्रकार के चिप्स बनाना बताएंगे, प्लेन चिप्स, चेक्स वाली चिप्स और लाइनिंग वाली चिप्स। प्लेन चिप्स हम इसमें बनाएंगे और लाइनिंग वाली चिप्स इसमें बनाएंगे। उसके लिए हमें इस सांचे को इस तरह उल्टा करना पड़ेगा, तो लाइनिंग वाली चिप्स यहाँ बनेगी और प्लेन वाली चिप्स यहाँ बनेगी इस तरफ। तो चलिए हम पहले प्लेन चिप्स बनाते हैं। हम इस तरह आलू को लेंगे और उसको इस पर इस तरह घसना चालू करेंगे। चलिए हम डिज़ाइनर चिप्स बनाने के लिए आलू लेंगे और इस तरह से इसको देखिए कितना आसानी से हो रहा है। इस तरह ये डिज़ाइनर चिप्स बन गया है लाइन वाला। सारी एक आलू की डिजाइनर चिप्स बनाएंगे इस तरह, जैसे लेस की चिप्स रहती हैं उस तरह। इस तरह ये लाइन वाली चिप्स देखिए बन गई। अब हम इसको पानी में डाल देंगे ताकि ये काली ना पड़े। बनाएंगे जाली वाली चिप्स, उसी वाले सांचे से बनाएंगे। एक बार ऐसे, फिर एक बार ऐसे। इस तरह चेक्स की चिप्स धीरे धीरे बनने लगेगी। हल्की हल्की आने लगी है देखिए, धीरे धीरे थोड़ी देर में जैसे जैसे करते जाएंगे उसका डिजाइन आने लगेगा। सूखने पे उसकी जाली और अच्छे से दिखती है। सूख के जब चिप्स पतली हो जाती है देखिए आने लग गई इस तरह, ये जाली देखिए दिख रही है। इसी तरह हम सारी चिप्स को बना लेंगे। अगर आपके पास मशीन नहीं है इस तरह की, तो आप इस आलू के छिलने वाली छिलनी से भी चिप्स बना सकते हैं। देखिए इस तरह कितने आराम से देखिए चिप्स निकल रहा है, और बहुत पतली और फाइन चिप्स भी बन रही है।
ये देखिए एकदम पतली पतली चिप्स आ रही है। ये भी एक बहुत आसान तरीका है चिप्स बनाने का। ये कितने आसानी से बन रही है, ताकत भी कम लग रही है और बहुत फटाफट भी बन रही है और बढ़िया भी बन रही है। इसी तरह आप तरह तरह की चिप्स बनाइए। इस तरह हमने सभी आलुओं की चिप्स बनाई है, तरह तरह की बना दी है। देखिए प्लेन भी बनाई है, चेक्स वाली भी बनाई है और लाइनिंग वाली भी बनाई है और इसको हमने पानी में भिगो दिया है। अब आती है चिप्स को मुलायम करने की बारी। चिप्स हमारी सॉफ्ट कैसे बने, उसके लिए हम ये पानी लेंगे, साफ पानी है, और उसमें हम डालेंगे फिटकरी का पाउडर। मैं आधा इंच फिटकरी का पीस लिया था और उसका इस तरह से पाउडर बना लिया, उसको इसमें हम डाल देंगे। और इस पानी में हम डालेंगे ये वाली जो चिप्स जो बना के रखी है, इसको डाल देंगे। और आप चाहें तो इसे सारी रात भी भिगो के रख सकते हैं, नहीं तो आप दिन में अगर बनाते हैं तो 2 घंटे आप भिगो दीजिए, नहीं तो आप रात में अगर चिप्स बनाते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में तो रात में आप इसको सारी रात भिगो के रख दीजिए और सुबह आप इसे बॉईल करके और फैला दीजिए। तो मैं इसको अभी दिन में बना रही हूँ तो 2 घंटे के लिए फिटकरी के पानी में डाल दूँगी इस तरह। और इसके बाद हम इसको एक ढक्कन से ढक के रख देंगे ताकि जो चिप्स बाहर भी निकले तो वो काली ना हो। 2 से 3 घंटे करीब भिगोने के बाद फिटकरी के पानी में देखिए चिप्स इस तरह हो गई है। आप इसे 2-3 घंटे या ओवरनाइट तक भिगो सकते हैं और ढक के रखने की वजह से देखिए चिप्स काली भी नहीं हुई है और अच्छे से वाइट एकदम पड़ी है। अब इसको हम बॉईल करेंगे। इस तरह से हम एक भगोने में पानी ले लेंगे और उसमें हम डाल देंगे नमक। मैं इसमें 2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ और इसको अच्छे से पानी को पहले उबाल आने देंगे। पानी जब इस तरह उबलने लगेगा तब हम उसमें डाल देंगे ये फिटकरी के पानी वाली चिप्स। इतनी डालेंगे ताकि इसमें डूब जाए चिप्स अच्छे से। हम इसमें ढक्कन लगा देंगे, एक उबाल आने देंगे इसे। करीब 1 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन हटा के देखेंगे। देखिए इसमें उबाल आ गया है। अब हम इस चिप को निकाल देंगे ताकि ये गले ना, बस इसको एक उबाल आने तक ही हम करेंगे। हम इसको निकाल लेंगे इस तरह छन्नी में। हम फिर से दूसरी आलू की चिप्स इसमें डाल देंगे। इसमें भी इसी तरह से ढक्कन लगा देंगे, 1 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। अब ये वाली चिप्स जो हमने निकाल के रखी है इसका पानी झड़ने देंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। देखिए इसमें भी उबाल आ गया है। सेकेंड राउंड चिप्स भी रेडी हो गई है, इसको भी हम निकाल देंगे छन्नी में।
कितनी अच्छी वाइट और खिली खिली सी आई है। ध्यान देना ज़्यादा नहीं उबालना है, ज़्यादा उबालने से आपस में चिपक जाएगी और आलू गल जाएंगे, गलने नहीं देना है। दो राउंड में हमने नमक नहीं डाला, जो पहला नमक था उससे ही हमने काम चलाया, लेकिन तीसरा राउंड डालते समय हम थोड़ा सा नमक और ऐड करेंगे, नहीं तो चिप्स फीकी बनेगी। देखिए खूब अच्छे से उबल रहा है पानी, इसमें हम फिर से डाल देंगे ये आलू। हर दूसरे राउंड के बाद हम थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया करेंगे ताकि चिप्स अच्छी नमकीन बने, फीकी ना बने। मैंने 1 किलो आलू में से 3 राउंड निकले हैं करीब। मैं इसको वापस से ढक दूंगी 1 मिनट के लिए। इसके लिए मैंने एक पॉलीथिन बिछा दी है, आप चाहें तो चादर या दुपट्टा जो भी कपड़ा चाहें बिछा सकते हैं। उसमें हम इस तरह से चिप्स को फैलाना चालू करेंगे। देखिए जाली वाली चिप्स है, प्लेन चिप्स है, लाइनिंग वाली चिप्स है, हर तरह की। और इसको अच्छे से हम सूखने देंगे। इस तरह से हमने चिप्स को पूरा फैला दिया है, मैंने रूम के अंदर फैलाया है, आप चाहें तो धूप में भी फैला सकते हैं। मेरे यहाँ भी उतनी सुविधा नहीं है, फिर ये जब सूख जाएगी पंखे के नीचे तो फिर मैं ऐसे एक थाल में या बड़े से पॉट में डाल के और थोड़ी देर के लिए धूप दिखा दूंगी ताकि उसको अच्छे से प्रिजर्व किया जाए। आप चाहें तो छत पे सुखा सकते हैं, धूप में सुखा सकते हैं। ओवरनाइट रखने के बाद चिप्स देखिए इस तरह सूख गई है और थोड़ा मुड़ के देखिए ऊपर उठ भी गई है। अब हम इसको कलेक्ट कर लेंगे और फिर इसके बाद मैं इसको बालकनी में एक पॉट में डाल के धूप में रख दूँगी। इस तरह चिप्स को हमने एक पॉट में कलेक्ट कर लिया है, अब इसको मैं पॉट को ही धूप में रख दूँगी। इस प्रकार से मैं इसको सारा दिन धूप में रख दूँगी ताकि इसमें जो भी मॉइस्चर हो एक्स्ट्रा वाला वो निकल जाए। और चिप्स तो देखिए सूख तो चुकी है, उसकी आवाज़ भी आ रही है, लेकिन हमें लंबे समय के लिए रखना है तो इसे धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है। चिप्स इस तरह सूख के तैयार हो गई है, अब हम इसको तल के देखेंगे। तेल देखिए गर्म हो गया है, इसमें हम इस तरह चिप्स डालेंगे। देखिए क्या बढ़िया से खिल खिल के आई है और एकदम वाइट बनी है। ये सब फिटकरी का ही कमाल है, बस आप एक चुटकी फिटकरी डालिए और आपकी चिप्स एकदम सफ़ेद आएगी। इसी तरह हम पूरी चिप्स और तल के दिखाते हैं आपको। तेल अच्छा गर्म होना चाहिए और चिप्स अच्छे से सूखी हुई रहनी चाहिए, जैसे कि मैं कर रही हूँ। तेल एकदम गर्मा गर्म है और चिप्स पूरी तरह सूख चुका है। इस तरह आपको जितनी चिप्स चाहिए आप उतनी तल के खाइए और बाकी आप साल भर स्टोर करके रख सकते हैं। आलू की चिप्स तल के तैयार है खाने के लिए। मैंने इसे 3 डिज़ाइन में बनाया है, एक तो प्लेन चिप्स, दूसरा चेक्स वाली डिज़ाइनर चिप्स और तीसरी लाइन वाली, जो कि नॉर्मली ले वगैरह की चिप्स रहती है वो लाइनिंग वाली रहती है। और इसे सुखाने में हमें 2 दिन का समय लगा, जब तक चिप्स अच्छे से सूख न जाए, जैसे इस तरह देखिए आवाज़ कर रही है, तब तक आप उसे धूप में दिखाइए, क्योंकि अगर वो थोड़ी भी गीली रहेगी तो तलने के बाद लाल हो जाएगी और अच्छी तरह सूखी रहेगी तो एकदम वाइट आएगी, हो सकता है इससे भी ज़्यादा वाइट आए जो हमने अभी फ्राई करके रखी हुई है। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी, आशा है पसंद आई होगी। तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।